आज ये बहुत लंबा आज हो गया, 2014 के बाद आज हम 2022 में है, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए, 10 साल, एक दशक पूरा होता जा रहा है। और जो आप जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, दो राज्यों में हुआ क्या, पंजाब में और दिल्ली में, किसका जनाधार खिसका और आम आदमी पार्टी उसके कंधे पर चढ़ के सवार हुई। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का वोट उन्होंने पर कब्जा जमाया है। बीजेपी चुनाव हार रही है दिल्ली के में विधानसभा के चुनाव, लेकिन आप देखें 2020 के चुनाव में भी तकरीबन बीजेपी के पास 35-36% वोट थे। अगर 2015 की भी बात करें जिसमें बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी, 36-37% वोट उस समय भी थे। कांग्रेस कहां जा रही है? बिल्कुल साफ संकेत है कि दिल्ली में पूरा का पूरा कांग्रेस का जनाधार आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ, जिसके कारण आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। अगर अब हम पंजाब की ओर ध्यान दें तो पंजाब में बीजेपी तो बहुत मजबूत रही नहीं थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस का जनाधार बहुत खिसका है और वो आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखा है। वहां अकालियों का भी जनाधार शिफ्ट हुआ, वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया, लेकिन कांग्रेस चूंकि अकाली दल तो सिर्फ एक ही राज्य में है, उन्हें उससे ज्यादा मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उनके संकुचित होने की श्रृंक करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस के लिए तो खतरा है, ये बात जरूर है। अगर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी या हिमाचल में चुनाव लड़ेगी, तो वहां कांग्रेस ऑलरेडी कमजोर पार्टी के रूप में है, नंबर टू तो है, लेकिन नंबर टू ही है कई सालों से, 25 साल से गुजरात में नंबर टू है, और वो नंबर टू भी ऐसे नंबर टू जो काफी पीछे रहती है, 10% वोट से पीछे रहती है। तो निश्चित रूप से खतरा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए पैदा कर रही है, और कांग्रेस का ही जनाधार वोट परसेंटेज जो है वो खिसक करके आम आदमी पार्टी की ओर जाता हुआ हमें दिख रहा आने वाले समय। विजय जी, अगर विकल्प की बात की जाए तो विकल्प की तलाश में जो जनता है उसमें आप आम आदमी पार्टी को क्या फिट मानते हैं? क्या देश भर में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी फिट बैठती है? अलका जी, एक तो जो विकल्प को, जैसे हम अंग्रेजी में या हमारे पॉलिटिकल जो ज्ञानी हैं, विद्वान लोग हैं, वो टीना फैक्टर कहते हैं, तो मैं टीना फैक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाता कभी भी। इस देश में विकल्प किसी का भी जनता है, जब जनता तय कर लेती है। जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, वीपी सिंह का हम लोग जिक्र करते हैं, 415 सीटें थी लोकसभा में राजीव गांधी साहब के पास, और वो 4 साल में खिसक गई, और वीपी सिंह जिनके पास न संगठन था, न एमपी थे, न कुछ था, एक परसेप्शन पर जनता ने उन्हें नेता बना दिया। तो जनता जब विकल्प बनाती है तो फिर सारी चीजें उसमें बेमायने हो जाती हैं। और अरविंद केजरीवाल में मैं ये ताकत देखता हूं उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कि वो अपने आप को नीट एंड क्लीन इमेज के साथ, और अब उसमें राष्ट्रवाद को जोड़ लिया है, फिर दलित वोट को जोड़ लिया है, दलित पूरी जो भावनाएं हैं उनको जोड़ लिया है, तो वो उस पर चलकर उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं कि जहां उनको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़े सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक क्लीन इमेज के लीडर के साथ। क्योंकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे कोई दूसरा नेता का नाम नहीं दिखता जो एक बहुत क्लीन इमेज के साथ और फाइटर इमेज के साथ आ रहा हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, वो ये ना समझे कि वो चार राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में जा रहे हैं, एक क्लीन इमेज उनको बड़ी ताकत दे सकती है। और जहां तक परसेप्शन की बात है, और ये कहना मतलब जैसे विनोद जी ने बहुत सही बात कही कि भगत सिंह जो है वो नास्तिक है, और वो अरविंद केजरीवाल पूरे पंजाब के जितने मंदिरों के दर्शन कर सकते थे नतमस्तक होते थे। मैं भाषण सुना था उनका कि वो कहां कहां नतमस्तक हुए, तो सब जगह नतमस्तक होते, लेकिन हमारे यहाँ सिंबोलिज्म और परसेप्शन बहुत अलग चीज है। अंबेडकर क्या है? अंबेडकर तो सवर्ण राजनीति के, सवर्ण पूरे सिस्टम के खिलाफ थे, और भारतीय जनता पार्टी को आज तक हम लोग सवर्णों की पार्टी मानते थे, और उसने उसको कैप्चर कर लिया। तो ये आप कैसे कंसीव कराते हैं, कैसे लोगों के दिमाग में परसेप्शन पैदा करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और भगत सिंह को लेकर की आजादी, भगत सिंह का नास्तिक से ज्यादा उनका जो आजादी वाला जो करेक्टर है उसको, अब आप सोचिए देश कैसा बदल रहा है। जब हम आजादी का 75 साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमने आजादी की लड़ाई की जिसे हम सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, लीडर मानते हैं, हीरो नहीं नायक मानते हैं, गांधी को हम पीछे खिसकाते जा रहे हैं, समझे, गांधी को अब औपचारिक तौर पर याद कर रहे हैं। और भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाना, तस्वीर लगाना अपने आप में ही एक नई आजादी के नए चेहरे गढ़ने जैसा काम है। तो आजादी को हम नए तरीके से रीडिफाइन कर रहे हैं, और वो रीडिफाइन हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। ये हम चुनाव नतीजे में देख रहे हैं, 42% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी भी इसी रास्ते पर, उसको भी 41% वोट मिले हैं उत्तर प्रदेश में, और चारों राज्यों में उसको दोबारा आया है। तो
इसका मतलब है कि देश जो है आजादी की लड़ाई को 75 साल बाद रीडिफाइन कर रहा है। और ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि जो अब जनरेशन है उसने आजादी की लड़ाई ना तो देखी, ना लड़ी और ना पढ़ी,